नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर क्रिस्टल दोष या त्रुटियों के बारे में पढ़ रहे थे हम, और हमने उसमें ये पढ़ लिया था कि जो क्रिस्टल दोष हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक दोष यानी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और दूसरे एटॉमिक डिफेक्ट। और हमने इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में चर्चा कर ली थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट में कोई ना कोई डेविएशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल को छोड़ करके एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वहाँ प्रमोट हो जाते हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। कब? जब अपन क्रिस्टल को परम शून्यताप 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं, तो इस प्रकार का अपने को चालकों में देखने को मिलता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सहसंयोजक जा क्रिस्टलों के अंदर। दूसरा, अपन ने परमाणु दोष के बारे में चर्चा की, और परमाणु दोष या बिंदु दोष या इनको अपन लाइन डिफेक्ट यानी रेखीय दोष भी कहते हैं, और इस प्रकार के जो दोष हैं यहाँ जो गड़बड़ होती है क्रिस्टल में, जो दोष या त्रुटि उत्पन्न होती है वो होती है अवयवी कणों के यानी कंपोनेंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के कारण। कंपोनेंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में, उनकी व्यवस्था में कोई न कोई डेविएशन, कोई न कोई विचलन हो जाता है, या तो कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर इंटर कर जाता है, या फिर क्रिस्टल जालक से कोई कंपोनेंट पार्टिकल एब्सेंट रह जाता है। इस प्रकार के डेविएशन के कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं उनको अपन बोलते हैं परमाणु यानी एटॉमिक डिफेक्ट। और अपन ने ये देखा था कि जो एटॉमिक डिफेक्ट हैं इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी अशुद्धता दोष। और हमने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, हमने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ी 2 प्रकार की, एक अपन ने पढ़ी शॉटकी डिफेक्ट के बारे में और एक अपन ने पढ़ी फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों ही स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, और दोनों के अंदर मूल अंतर क्या है दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा था, कंपेरेबल स्टडी भी अपन ने की थी कि शॉटकी डिफेक्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर देखने को मिलता है, और आयनिक भी कौन से, जिनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो यानी सहसंयोजन संख्या या उपसहसंयोजन संख्या जिनकी ज़्यादा होती है, ऐसे आयनिक क्रिस्टलों के अंदर शॉटकी दोष देखने को मिलता है। जिनके अंदर समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कम होती है वहाँ फ्रेंकल दोष देखने को मिलता है अपने को। शॉटकी दोष में होता क्या है, शॉटकी दोष के अंदर क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हुए निश्चित निर्धारित संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित जालक स्थान से एब्सेंट रह जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और वहीं दूसरा प्रकार का जो फ्रेंकल दोष है, उस फ्रेंकल दोष के अंदर कोई कंपोनेंट क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, बल्कि जो धनायन होते हैं वो धनायन अंतराकाशी यानी कोई भी धनायन, एक या एक से अधिक धनायन अंतराकाशी स्थलों में यानी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार फ्रेंकल दोष के अंदर क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो नो चेंज रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि शॉटकी दोष के अंदर क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाती है, कम हो जाती है। और इसके कुछ एग्जांपल अपन ने देखे थे, आज हम पढ़ेंगे दूसरा जो एटॉमिक डिफेक्ट का जो दूसरा टाइप है वो आज अपन पढ़ेंगे। अपन ने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, दूसरी डिफेक्ट है अपनी नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। और नॉन स्टोइकोमेट्री के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉन स्टोइकोमेट्री क्या चीज़ है। नॉन स्टोइकोमेट्री का मतलब, या फिर अपन यूँ कहें कि नॉन स्टोइकोमेट्री कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्री कंपाउंड का मतलब ये है, सीधी सीधी बात अगर सीधी भाषा में अगर समझें अपन, तो ये ऐसे यौगिक हैं जो कि स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं। इनमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात होता है वो यौगिक के आदर्श अणुसूत्र के अनुसार नहीं होता, वो परिवर्तित हो जाता है। जो त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल है उस त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसे यौगिकों को अपन बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। और इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर जो एटॉमिक डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं, उनको अपन बोल देते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि या डिफेक्ट। तो अगर नॉन स्टोइकोमेट्रिक को अपन कंपाउंड को परिभाषित करें, डिफाइन करें अपन, तो कैसे डिफाइन करेंगे अपन,
ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें उपस्थित तनायन, जिनमें उपस्थित तनायन तथा ऋणायन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के आदर्श अणु सूत्र या मूलानुपाती सूत्र सूत्र से भिन्न होता है। एक तो ये हो गया, ऐसे यौगिक जिनमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात होता है यौगिक के आदर्श अणु सूत्र या फिर मूलानुपाती सूत्र से भिन्नता प्रदर्शित करता है, ऐसे यौगिकों को अपन नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। दूसरा अपन यूं भी लिख सकते हैं, यानी वे यौगिक ऐसे कंपाउंड ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे यौगिकों को अपन नहीं करते हैं उन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं तथा उनमें उत्पन्न होने वाले दोषों को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। तो बड़ी सीधी और सिंपल बात है कि ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करेंगे उनको अपन नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहेंगे, और उन नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर जो एटॉमिक डिफेक्ट क्रिएट होती है, जो एटॉमिक डिफेक्ट उत्पन्न हो जाती है, उस एटॉमिक डिफेक्ट को अपन बोल देंगे वहां पर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये जो जिस प्रकार से अपन ने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा वो दो प्रकार की होती हैं, सोटकी और फ्रेंकल, उसी प्रकार ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो डेविएशन है, ये जो डिफेक्ट्स हैं, इनको भी क्लासिफाइड किया गया, इनको चार भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया, इनकी चार कैटेगरी बना दी गई है। और इससे पहले मैं आपको नॉन स्टोइकोमेट्रिक के बारे में बता चुका हूँ और ये उसकी होगी डेफिनेशन। अब इनको क्लासिफाइड कर दिया गया, इसके कुछ क्लास बना दी गई हैं, इनको डिवाइड किया गया कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट हैं वो किस किस कारण से हो सकते हैं, क्या वजह है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष है तो हो सकता है कि उसमें क्रिस्टल के अंदर धनायन की वृद्धि हो जाए, या फिर धनायन की कमी हो जाए, या ऋणायन की वृद्धि हो जाए, या फिर ऋणायन की कमी हो जाए। इस प्रकार ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं इनको चार भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया है, यानी कारण क्या है, चार प्रकार के कारण हो सकते हैं, चार भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया है कि जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष है वो चार प्रकार से हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, या तो यूं हो सकता है धनायन की कमी के कारण, धनायन की कमी के कारण उत्पन्न हो सकता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, या फिर हो सकता है ये धनायन की वृद्धि के कारण, धनायन कम हो सकता है तो धनायन ज्यादा भी हो सकता है,
धनायन की वृद्धि के कारण, धनायन की कमी के कारण हो सकता है, धनायन की वृद्धि के कारण हो सकता है। सेम एज ऋणायन, जैसे तो ऋणायन की कमी के कारण, और चौथा कारण हो गया इसका ऋणायन की वृद्धि के कारण। तो जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं उनके चार कैटेगरी हैं, उनके चार कारण बताए गए हैं कि ये क्यों किस किस कारण से हो सकते हैं। हो सकता है कि धनायन की कमी हो जाए क्रिस्टल में, हो सकता है कि धनायन की वृद्धि हो जाए, एक्सेस मात्रा में धनायन प्रेजेंस हो जाए क्रिस्टल के अंदर, हो सकता है कि ऋणायन की कमी हो जाए, और हो सकता है कि क्रिस्टल के अंदर ऋणायन एक्सेस मात्रा में अवेलेबल हो जाए। तो इन चार कारणों की वजह से नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष चार प्रकार के हो सकते हैं। धनायन की कमी के कारण उत्पन्न नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, धनायन की वृद्धि के कारण उत्पन्न नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, ऋणायन की कमी के कारण उत्पन्न नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, और ऋणायन की वृद्धि के कारण उत्पन्न नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। अब पहला प्रकार है अपना धनायन की वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। फर्स्ट है अपना धनायन की कमी। पहला अपना धनायन की कमी के कारण उत्पन्न नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। धनायन कम हो जाएगा, यानी जब अपन क्रिस्टल का निर्माण करेंगे तो क्रिस्टल निर्माण के दौरान कोई धनायन, एक या एक से अधिक संख्या में कोई धनायन अपने निर्धारित जालक स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसको अपन एग्जांपल से यूं समझ सकते हैं, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रेन, यात्री ट्रेन खड़ी है, और उस ट्रेन को चलने में जैसे 5 मिनट बाकी हैं या 2 मिनट बाकी हैं, और अचानक कुछ पैसेंजर आते हैं जो उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ट्रेन जब चलती है तो एक आध पैसेंजर ऐसा हो जो गलती से ट्रेन में प्रवेश न कर पाए, तो अगर उस पैसेंजर ने अपनी सीट को रिजर्व कर रखा है, तो अगर वो पैसेंजर प्रवेश नहीं कर पाएगा, ट्रेन में नहीं चढ़ पाएगा, तो ट्रेन के अंदर उस पैसेंजर की जो जगह है वो क्या रहेगी, खाली रहेगी, यानी उस पैसेंजर की ट्रेन में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक वैसा ही यहाँ होता है, जब क्रिस्टल निर्माण होता है तो क्रिस्टल निर्माण के दौरान कोई धनायन क्या करता है, क्रिस्टल जालक में अपने निर्धारित जालक स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में उस धनायन की जगह खाली रह जाती है, एक अवकाश बन जाता है, यानी एक वैकेंट स्पेस रह जाता है, और उस वैकेंट स्पेस के कारण अब धनायन की कमी हो गई। तो फिर उस धनायन को, क्रिस्टल के आवेश को संतुलित कैसे किया जाए, इसके लिए ये है कि अगर एक धनायन कम हो गया, एक धनायन की क्रिस्टल में कमी हो गई, एक एक से अधिक धनायन है, उन धनायनों के क्रिस्टल में अगर कमी हो गई, तो बाकी के जो धनायन बच गए हैं उन धनायनों के अंदर इस प्रकार का गुण पाया जाएगा कि वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित करके क्रिस्टल में उपस्थित आवेश को क्या करें, संतुलित करें, और ओवरऑल क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बना दें। क्योंकि क्रिस्टल चाहे त्रुटिपूर्ण हो, आदर्श हो, किसी भी प्रकार का हो, क्रिस्टल हमेशा विद्युत उदासीनता के नियम का पालन करेंगे, यानी कंपाउंड हमेशा विद्युत उदासीनता के नियम का पालन करेंगे, चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड हो, चाहे तो वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड हो, चाहे क्रिस्टल आदर्श हो या क्रिस्टल फिर त्रुटिपूर्ण हो, कैसी भी अवस्था हो, हमेशा हम विद्युत उदासीनता के नियम का पालन करेंगे, यानी धनावेश और ऋणावेश को हमेशा समान रखेंगे, बराबर रखेंगे, कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब जैसे हमारे पास आयरन ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है, इस त्रुटि को समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं आयरन ऑक्साइड का, और आयरन ऑक्साइड एक ट्रांजिशन मेटल है, संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु है। संक्रमण धातुओं का एक गुण यह है कि इनमें अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदलने का गुण पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था।
ये विशेष गुण है एक प्रकार का संक्रमण धातुओं का। और इस पर कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं क्यों। तो संक्रमण धातुओं का एक विशेष करैक्टर है, विशेष गुण है उनमें कि वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर सकती है, यानी एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है। और इस परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करती हैं इसकी चर्चा अपन अपने नेक्स्ट अपना चैप्टर आएगा डी ब्लॉक, अपन उसमें इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन इतना ही जान लेते हैं कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, यानी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल सकती हैं। अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदलने का जो गुण है संक्रमण धातुओं का, उसी को अपन बोलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब अपन धनायन की कमी के कारण उत्पन्न नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष है, उसको समझने के लिए अपन आयरन ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन ऑक्साइड के आदर्श क्रिस्टल की मैं एक संरचना बनाता हूं, ये आदर्श क्रिस्टल जैसे Fe प्लस टू, अपने को पता है कि आयरन Fe प्लस टू और ऑक्सीजन O माइनस टू। तो धनायन Fe प्लस टू और धनायन के नजदीक ऋणायन O माइनस टू, धनायन Fe प्लस टू और धनायन के नजदीक ऋणायन, इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। ये आदर्श क्रिस्टल का अरेंजमेंट है और आइडियल अरेंजमेंट आपको पता है केवल और केवल कौन से ताप पर होता है, परम शून्य ताप जीरो केल्विन के ऊपर। धनायन कितने हुए, एक दो तीन चार पांच और छह, और ऋणायन कितने हुए, एक दो तीन चार पांच और छह। इसका मतलब ये हो गया कि जितना धनावेश है क्रिस्टल में उतना का उतना ही ऋणावेश है। क्रिस्टल फिलहाल विद्युत उदासीनता के नियम का पालन कर रहा है। अब ये तो है आदर्श व्यवस्था क्रिस्टल की, ये तो आदर्श अरेंजमेंट है, ये बात तो आइडियल बात है, आदर्श क्रिस्टल है फिलहाल ये। लेकिन आदर्शता की बात तो अपन केवल और केवल कब करेंगे, परम शून्य ताप जीरो केल्विन पर, जो कि आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। परम शून्य ताप जीरो केल्विन का मतलब है -273.15 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि माइनस में इतना नीचे तापमान प्राप्त करना सामान्य तौर पर पॉसिबल नहीं है। अब ये एक आदर्श क्रिस्टल है, अब हमने क्या किया, इस क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, या फिर अपन यू करें हमारे पास एक आयरन ऑक्साइड का पिघला हुआ मटेरियल है और हमने उसको क्या किया, उसका क्रिस्टलीकरण किया, उसको अपन ने ठोस बनाना प्रारंभ किया। तो जब क्रिस्टल का निर्माण होता है, इस क्रिस्टल का निर्माण हुआ, उस निर्माण के दौरान ही होता क्या है कि कोई भी धनायन, कोई सा भी एक या एक से ज्यादा धनायन क्या करते हैं, क्रिस्टल में अपने निर्धारित निश्चित निर्धारित जो जालक स्थान है उस जालक स्थान पर प्रवेश ही नहीं कर पाता है। वही एग्जाम्पल ट्रेन वाला कि ट्रेन चल रही है और कोई यात्री उसमें प्रवेश न कर पाए, गलती से ऐसा हो जाता है। और यहाँ भी क्रिस्टल निर्माण के दौरान ऐसा हो जाता है कि कोई धनायन अपने क्रिस्टल में जिसको जहां पहुंचना है वो वहां नहीं पहुंच पाता है, तो क्रिस्टल में उस धनायन की जगह खाली रह जाती है। तो जब इस क्रिस्टल का निर्माण हुआ, ये तो आइडियल बात है, लेकिन वास्तव में जब इस क्रिस्टल का निर्माण होता है तो क्रिस्टल निर्माण के दौरान कोई सा भी एक धनायन या एक से ज्यादा धनायन है वो क्रिस्टल में निर्धारित जगह पर नहीं पहुंच पाई। जैसे अपन ये मान लें कि ये जो बीच वाला धनायन है, ये धनायन क्रिस्टल निर्माण के दौरान अपनी जगह प्रवेश नहीं कर पाया, इसको आना चाहिए था इस जगह पर, लेकिन ये इस जगह प्रवेश नहीं कर पाया। और अगर प्रवेश नहीं कर पाया तो धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात है वो आदर्श अणुसूत्र से गड़बड़ा गया, चेंज हो गया, और अनुपात चेंज हो गया इसका मतलब कंपाउंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड हो गया, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड हो गया तो इसके अंदर जो दोष जो डेविएशन क्रिएट होंगे वो भी कौन सी कैटेगरी के होंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कैटेगरी के होंगे। अब
इस क्रिस्टल के अंदर जो कि अब ये त्रुटिपूर्ण हो चुका है, इसमें डिफेक्ट क्रिएट हो चुकी है, इस क्रिस्टल के अंदर धनावेश और ऋणावेश बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें ऋणावेश कितना है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक दो, ऑक्साइड आयनों की संख्या एक दो तीन चार पांच और छह, इसका मतलब ऋणावेश कितना है, ऋणावेश हो गया माइनस 12, धनावेश कितना हो गया एक दो तीन चार पांच, यानी प्लस 5 × 10 प्लस 10 इकाई धनावेश है। तो ओवरऑल अपने क्रिस्टल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना बचा, माइनस 2 के इक्वल चार्ज बचा, जबकि अपन ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल चाहे किसी प्रकार की त्रुटि हो चाहे उसमें न हो त्रुटि, क्रिस्टल हमेशा विद्युत उदासीनता के नियम का पालन करेंगे, यानी क्रिस्टल पर किसी प्रकार का कोई चार्ज कोई आवेश नहीं रहेगा, आवेश हमेशा संतुलित रहेंगे, क्रिस्टल में जितना धनावेश रहेगा उतना का उतना ही ऋणावेश रहेगा। अब आवेश को संतुलित करने के लिए होता क्या है, यहाँ जो मैंने आयरन ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया, यहाँ मैंने विशेष तौर पर यह ध्यान में रखा कि ऐसी धातु ली जाए जो किस प्रकार की हो, संक्रमण श्रेणी की हो, संक्रमण कैटेगरी की हो, और संक्रमण धातुओं का गुण है कि वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल सकती हैं, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर सकती हैं। तो आयरन के अंदर कैपेसिटी है कि वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को प्लस 2 से कहां ले जा सकता है, प्लस 3 में परिवर्तित कर सकता है, यानी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था का एक्सटेंशन कर सकता है। तो आवेश को संतुलित करने के लिए होता क्या है, जैसे अपने पास प्लस 2 इकाई धनावेश की कमी हो गई, तो कोई से भी दो आयरन परमाणु इस होल के नजदीक या निकटवर्ती कोई से भी दो आयरन परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था 2 से बढ़ाकर कितनी कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। जैसे अपन ये माने कि इस आयरन ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 से परिवर्तित करके कितनी बना ली, प्लस 3 बना ली। इसी प्रकार कोई एक और इस आयरन ने भी, मान लो इस आयरन ने भी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था 2 से परिवर्तित करके या 2 से बढ़ा करके कितनी कर दी, 3 कर दी। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण इन दोनों आयरन परमाणुओं ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 से बढ़ा करके कितनी कर ली, प्लस 3 कर ली। अब देखो इस क्रिस्टल के अंदर आवेश संतुलित है कि नहीं है, आवेश संतुलित है। यहां प्लस 2 वाले कितने हैं, 1 2 3, तो प्लस 2 वाले 3 हैं, तो 3 × 6, और प्लस 3 वाले कितने हैं, 1 और 2, 3 × 6 ये हो गए। टोटल धनावेश कितना हो गया, प्लस 12 इकाई धनावेश हो गया, और ऋणावेश भी अपने को पता है कितना है, माइनस 12 इकाई है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और क्रिस्टल के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी क्रिस्टल विद्युत का उदासीन हो जाता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस प्रकार धनायन की कमी के कारण नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष उत्पन्न होते हैं। धनायन की कमी का मतलब है कि क्रिस्टल निर्माण के दौरान कोई धनायन अपने निर्धारित जालक स्थान से अनुपस्थित रह जाते हैं, तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में एक या एक से अधिक की या आवश्यकता अनुसार अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार के दोष जो है वो सामान्यतः संक्रमण धातुओं से बने यौगिकों में देखने को मिलते हैं। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल अपना ये हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, एक इसमें अपन निकल ऑक्साइड के बारे में देखते हैं, आयरन सल्फाइड होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल या संक्रमण धातुओं के जो कंपाउंड है उन कंपाउंड्स के अंदर इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार के दोष आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो टाइप हो गया अपना धनायन की कमी के कारण, तो धनायन की कमी हो गई और फिर भी क्रिस्टल, धनायन की कमी के कारण क्रिस्टल त्रुटिपूर्ण हो गया, और त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल के अंदर विद्युत उदासीनता के नियम का पालन करने के लिए अन्य धनायनों ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लिया, आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर ली। तो एक तो ये हो गया धनायन की कमी के कारण, दूसरा है धनायन की वृद्धि के कारण। धनायन की वृद्धि का मतलब है कि धनायन ज्यादा हो जाएंगे, और धनायन ज्यादा हो जाएंगे इसका मतलब धनावेश ज्यादा हो जाएगा, और धनावेश ज्यादा हो जाएगा तो उस धनावेश को संतुलित करने के लिए अपने को अतिरिक्त ऋणावेश की आवश्यकता पड़ेगी। पहला था धनायन की कमी के कारण, और दूसरा है अपना धनायन की वृद्धि के कारण। वृद्धि का मतलब यह है कि क्रिस्टल निर्माण के दौरान कोई अतिरिक्त कोई धनायन या कोई अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल के अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे
अपन यू समझें कि ये तो है आदर्श क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल है जिसमें M प्लस 2 धनायन है और कोई भी ऑक्सीजन है जैसे या अक्स और माइनस 2 धनायन है, M प्लस 2 धनायन और माइनस 2 ऑक्साइड आयन है। M प्लस 2 और माइनस 2 M अब ये जो बीच की जगह दिख रही है आपको, ये चार आयनों के बीच की ये जो जगह है, ये चार आयन है जिनमें से दो धनायन और दो ऋणायन, इनके बीच की ये जो जगह है, इस जगह को अपन बोलते हैं अंतराकाश या अंतराकोशिकीय अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इसको। जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो क्रिस्टल का निर्माण होने के दौरान कोई धनायन क्या करता है, इस अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। ये वैसी बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और उस ट्रेन पर चढ़ने के लिए बहुत सी भीड़ एक साथ अगर अंदर जाती है, ट्रेन को ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तो एक यात्री है जो उस ट्रेन में बैठना नहीं चाहता है लेकिन जबरदस्ती भीड़ ने क्या कर दिया, उसको ट्रेन के अंदर धक्का दे दिया, वैसा ही यहाँ है। फिलहाल क्रिस्टल विद्युत उदासीनता के अनुसार है लेकिन जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा था तो क्रिस्टल निर्माण के दौरान कोई अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशों में स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे ये M प्लस 2 धनायन कोई अतिरिक्त धनायन है जो अंतराकाश में प्रवेश कर गया, लेकिन अंतराकाश में क्रिस्टल या धनावेश से इस धनायन के प्रवेश करने से क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता खत्म हो जाती है। क्रिस्टल के ऊपर ये जो प्लस 2 इकाई धनावेश है ये ज्यादा हो गया और हम ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल चाहे किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाए उसमें आवेश का संतुलन हमेशा बना रहेगा, क्रिस्टल हमेशा विद्युत उदासीनता की शर्त का पालन करेगा। अब हमें चाहिए अगर अतिरिक्त धनावेश आ गया है तो अतिरिक्त ऋणावेश की भी आवश्यकता है, तो कहीं से कोई दो इलेक्ट्रॉन भी, जैसे ये धनावेश अंतराकाश में प्रवेश हुआ है उसी प्रकार दो अतिरिक्त, जैसे दो इकाई धनावेश प्रवेश हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशों में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार किसी अतिरिक्त धनावेश के प्रवेश के कारण भी क्रिस्टल त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं और इस प्रकार की त्रुटि भी कौन से श्रेणी में आती है, कौन से कैटेगरी में आती है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक सीरीज में आती है। इसे समझने के लिए हम जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ये है कि जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर होता है श्वेत, ताप पर सफेद होता है, लेकिन जब अपन इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये पीले रंग का हो जाता है, व्हाइट येलो हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये येलो क्यों हो जाता है और कौन से दोष के कारण हो जाता है, ऐसा क्या चेंजमेंट, क्या परिवर्तन होता है कि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करने पर ये सफेद से येलो कलर का हो जाता है। इसे समझने के लिए अपन इसी त्रुटि का सहारा लेते हैं। अब जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जब अपन इसको गर्म करते हैं तो कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर उनमें उपस्थित जो नॉन मेटल है या जो अधात्विक ऋणायन है वो अधात्विक ऋणायन गैस के रूप में क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। जैसे हमारे पास ये जो क्रिस्टल है, ये मान लेते हैं हम कि ये जिंक ऑक्साइड का ही क्रिस्टल है और M प्लस 2 है, उस M प्लस 2 के स्थान पर अपने पास जिंक प्लस 2 है। यहां M के जगह में क्या लिख देता हूं, जिंक, जिंक, जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2। ये जिंक ऑक्साइड का एक आदर्श क्रिस्टल है। ये कमरे के ताप की व्यवस्था है। हमने क्या किया, क्रिस्टल को गर्म किया, तो क्रिस्टल को गर्म करने पर हुआ क्या, जो अधात्विक एलिमेंट है, अधात्विक ऋणायन है, O माइनस 2 है, ऑक्साइड ऋणायन, ये ऑक्साइड ऋणायन गैस के रूप में
क्रिस्टल में अपने जालक स्थान को छोड़कर के क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। ऑक्साइड को जैसे हमने गर्म किया, यानी जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को अपने जैसे गर्म किया, तो जिंक ऑक्साइड आयन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके हाफ मोल ऑक्सीजन का निर्माण किया। ये ऑक्सीजन गैस क्रिस्टल से बाहर निकल गई, ऑक्सीजन गैस जो है क्रिस्टल से बाहर निकल गई और साथ में क्या त्याग दिए, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब जैसे इस ऑक्सीजन से, जैसे यहां से एक ऑक्सीजन निकला कि यहां से ये, या फिर किसी कहीं से भी मान सकते हैं अपन, यहां से एक ऑक्साइड आयन जो है वो क्रिस्टल से बाहर निकल गया। ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन गैस के रूप में और कितने मोल, आधा मोल ऑक्सीजन गैस के रूप में क्रिस्टल से क्या हो गई, बाहर निकल गई और पीछे क्या छोड़ गई, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसने। अब इस ऑक्सीजन से संबंधित, इस ऑक्साइड आयन से संबंधित कोई ना कोई धनायन जरूर, क्योंकि ये ऋणायन है, तो इस ऋणायन से संबंधित कोई धनायन है। मान लेते हैं अपन कि ये धनायन है जिंक। ये जिंक क्या करता है, अपने मूल जालक स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल के अंतराकाश में आ जाता है। ये अंतराकाश में आ गया जिंक, और ऑक्सीजन के निकलने से जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़े गए थे, ये दो इलेक्ट्रॉन भी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतराकाश में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तो अतिरिक्त धनायनों के, ऋणायन जो है ऋणायन क्रिस्टल से गैस के रूप में, अधातु परमाणु है वो क्रिस्टल से गैस के रूप में बाहर निकल गया। इस ऋणायन से संबंधित जो धनायन था, उस धनायन ने अपने जालक स्थान को छोड़कर के क्रिस्टल के अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लिया, और ऋणायन के निकलने से ऋणायन से संबंधित जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन भी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतराकाश में ही स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है वो गर्म करने पर सफेद रंग से पीला हो जाता है। पीला होने का कारण है कि क्रिस्टल में से अधातु परमाणु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, और ऑक्साइड आयन से संबंधित जो जिंक प्लस टू धनायन है, वो अपने निर्धारित जालक स्थान को छोड़कर के अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है। अब इस क्रिस्टल के अंदर देखो, इस क्रिस्टल में, यानी ये जिंक ऑक्साइड का एक त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में देखने पर जिंक के कितने परमाणु हो गए, एक, दो, तीन, चार, और एक ही अंतराकाश में पांच, जिंक हो गए पांच, जिंक प्लस टू। ऑक्सीजन कितने, एक, दो और तीन, ऑक्सीजन कितने हो गए, तीन ऑक्सीजन, तीन ओ माइनस टू, और साथ में है दो इलेक्ट्रॉन। इस तरफ टोटल चार्ज कितना है, टोटल आवेश कितना हो गया, इस तरफ जिंक है एक, दो, एक, दो, तीन, चार और पांच, और ऑक्साइड आयन संख्या देखो, इनकी संख्या मैच करो, यहां था अपने पास जिंक प्लस टू, यहां था अपने पास ऑक्साइड माइनस टू, और एक, दो, तीन, चार और पांच, और ऑक्सीजन थे अपने पास एक, दो, तीन, चार और पांच। एक और कॉलम बनाना है अपने को, एक कॉलम और बना देता हूं मैं, ओ माइनस टू जिंक प्लस टू और ओ माइनस टू, अब यहां से ये ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल गया, इसकी जगह खाली होगी, इससे संबंधित जो जिंक प्लस टू धनायन है, इस धनायन ने अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लिया। ऑक्सीजन के निकलने से जो दो इलेक्ट्रॉन थे, वो दो इलेक्ट्रॉन भी आवेश संतुलित करने के लिए अंतराकाशों में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब देखो आवेश के बारे में और इनकी संख्याएं देखो, जिंक की संख्या हो गई एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, जिंक हो गए छह, जिंक प्लस टू, जिनमें से पांच तो अपने निश्चित निर्धारित स्थान पर हैं, और एक जिंक कहां है, अंतराकाश में, यह त्रुटि को उत्पन्न कर रहा है, यह अंतराकाश में। दूसरा ऑक्सीजन की बात करें अपन, एक, दो, तीन, चार और पांच, ऑक्साइड आयन कितने हैं, पांच ऑक्साइड आयन है, और साथ में अंतराकाश में दो क्या हैं,
इलेक्ट्रॉन। अगर आवेश की बात करें अपन तो 5 × −10 और −2 ये रहा। टोटल ऋणावेश कितना हो गया? −12। टोटल धनावेश कितना हो गया? 6 × 12। इसका मतलब आवेश त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में भी जितना धनावेश है उतना का उतना ही ऋणावेश है, लेकिन त्रुटि उत्पन्न हो गई। त्रुटि उत्पन्न हुई क्या? ऑक्साइड आयनों की संख्या यदि ऋणायन की संख्या तो ऋणायन की संख्या तो है 5 और धनायन की संख्या है 6। इसका मतलब धनायन की संख्या में क्या हुई? ऋणायन की तुलना में वृद्धि हो गई। तो धनायन की वृद्धि के कारण भी इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं जिनको अपन कौन सी श्रेणी में शामिल करते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष या त्रुटियों की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है या कौन सा दोष उत्पन्न होता है कि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को कमरे के ताप पर रखते हैं तो ये व्हाइट कलर का है, और जब अपने इसको गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर ये पीला हो जाता है। तो पीला होने का कारण है कि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जैसे अपन गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित जो नॉन मेटल ऋणायन है वो ऋणायन गैसीय फॉर्म में क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और अपने से संबंधित इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल के अंतराकाशों में छोड़ देता है। ऑक्सीजन से संबंधित जो जिंक +2 धनायन है वो भी अपने निर्धारित जालक स्थान को छोड़कर के क्रिस्टल के अंतराकाशों में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि क्रिस्टल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल की जो प्रकृति है वो एक तो अगर मैग्नेटिक रेफरेंस में देखें अपन चुंबकीय प्रकृति देखो तो ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, और अगर चालकता की बात करें तो क्रिस्टल कैसा हो जाता है? सुचालक होता है। तो इस प्रकार ऋणायन की वृद्धि के कारण भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा है अपना, तीसरे प्रकार का जो दोष है, तीसरे प्रकार का नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष है वो है ऋणायन की कमी के कारण। ऋणायन की कमी के कारण तीसरा दोष अपना ऋणायन की कमी के कारण, और चौथा दोष अपना ऋणायन की वृद्धि के कारण। ये अपन अगर अपने अगले वीडियो में करेंगे इनकी चर्चा, क्योंकि अपनी जो ऑनलाइन क्लासे हैं इनकी कुछ सीमाएं हैं, हमें उन सीमाओं के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है। तो आज का ये जो वीडियो है अपन यही खत्म करते हैं। बाकी अपन ये जो दो अपनी जो दो डिफेक्ट बच गई हैं, ऋणायन की कमी के कारण और ऋणायन की वृद्धि के कारण, इन दोनों की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। और आई होप कि ये जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपने वीडियो के साथ साथ आपने अपने रफली जो नोट्स हैं वो बनाए जरूर होंगे, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप उनको दोबारा नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि बार बार मोबाइल के ऊपर अपन वीडियो देख करके चीजों को नहीं समझ पाएंगे। हमें दोबारा पढ़ने के लिए हमारे रफली जो नोट्स हैं, हमारी खुद की लैंग्वेज में बनाए गए जो नोट्स हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी अपने को। तो आपको नोट्स बनाओगे तभी आप उनको दोबारा रिटर्न कर पाओगे, वरना तो ये है कि आप बार बार आपको आपके पेरेंट्स हैं वो मोबाइल पे अवेलेबल नहीं कराएंगे, और बार बार आप एक ही वीडियो को देख भी नहीं पाओगे। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि अपन एक ही वीडियो को बार बार देखते जाएं। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा है आपके लिए, और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख के भेजिए, मैं अपने अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।